सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y200 Pro डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने कीबोर्ड फोन को स्टाइल कैसे करेंगे। गाइस अगर आपको अपने कीबोर्ड फोन को स्टाइलिश करना है तो नो डाउट आप स्टाइलिश कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कीबोर्ड फोन को स्टाइल कैसे करते हैं। वेल गाइस उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी हमें एक थर्ड पार्टी एप्स की, जिसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर को फॉलो कर सकते हो। सर्च बार में टाइप करना है फोन्स कीबोर्ड थीम एंड इमोजी, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको ओपन पे क्लिक करना है। इसका जो यूज इंटरफेस है गाइस बहुत ही इजी है, कोई भी पर्सन इसे आसानी से यूज कर सकता है अपने फोन के अंदर। यहाँ थोड़ा सा हम वेट करते हैं, इसके बाद हम इसका सेटअप करेंगे एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू टू ऐप करना है, नेक्स्ट बटन है इसको नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करना है, डन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऑप्शन आएगा, राइट समथिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर दो परमिशन को अलाउ करना होगा, टॉप वाले को सेट करना है। एंड यहाँ पर ध्यान रखना जो हमने टॉप वाले को परमिशंस को अलाउ कर रहे हैं उसके सेकेंड में आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड वाले पे ये फोन कीबोर्ड, दैट मींस कि आपको ऐप वाले ऑप्शन परमिशन को ऑन कर देना है। ओके करेंगे, अगेन ओके कर देना है, बैक आएंगे, सेकेंड वाले पे हमें क्लिक करना है, इसमें भी अपने जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी है उसी वाले परमिशन को सेट कर देना है। देन इसके बाद ये कम्प्लीटली यूज करने के लिए रेडी हो गया है। आप राइट सेंटर में क्लिक करेंगे, अब ये हमारा जो कीबोर्ड अभी है इसमें कुछ भी टाइप करके देख सकते हो, अभी ये सिंपल कीबोर्ड है। अगर हमें अभी चेंज करना है इसके स्टाइल को तो राइट साइड में देखेंगे मल्टीपल आपको स्टाइलिश मिलती है, जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे आपका कीबोर्ड उसी फॉर्मेट में यहाँ पर स्टाइलिश होता जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इसी फॉर्मेट में किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हो, लाइक व्हाट्सएप मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम मैसेज करते हो, एवरीथिंग कुछ भी, तो सामने वाले को उसी स्टाइल में मैसेज भी डिलीवर होगा। तो एक इंटरेस्टिंग ऐप है, जाके ट्राई करना हो तो कर सकते हो, लिंक इसका डाउनलोडिंग का डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।